पन्ना जिले में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां 20 वर्षीय युवती को जहरीले सांप ने डस लिया। इसके बाद परिजनों को जानकारी लगी तो परिजन उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना लेकर पहुंचे, लेकिन युवती के पिता ने कड़ी मशक्कत के बाद उक्त जहरीले सांप को पकड़ लिया और एक डब्बे में बंद करके जिला चिकित्सालय पन्ना लेकर पहुंचे, जिसके बाद जिला अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों में हंगामा मच गया। इतना ही नहीं, ड्यूटी डॉक्टर्स भी जहरीले सांप को फड़फड़ाता देखकर अचंभित हो गए। मामला पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खेजड़ा मंदिर के पास का है, जहां घर में सोते समय एक 20 वर्षीय युवती को जहरीले सांप ने काट लिया। युवती ने जैसे ही सांप को भागते हुए देखा तो तत्काल इसकी जानकारी परिजनों को दी और परिजन उसे आनन फानन में उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, लेकिन युवती के पिता उक्त जहरीले सांप को पकड़ने में जुट गए और कड़ी मशक्कत करके सांप को पकड़कर एक डिब्बे में डाल लिया और डॉक्टर्स को दिखाने के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना पहुंच गए। काटा, हमको पता चला, हॉस्पिटल लेके आए, हमको जानकारी नहीं थी, और हमको जानकारी लगी कि हमारी बच्ची को काट लिया। हम गए तो इनसे हमने पूछा कि आपको यहाँ का जरूरत थी, हम आपको भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, आपको हमारी बच्ची मिली, हम गए, हमने उठाया, इनको लेके आया। बच्ची को अभी आई 6 बजे, 6:30 बजे आई बच्ची, सांप ने काटा उसे। अभी बच्ची के वाइटल जब आई थी स्टेबल थी, अभी भी स्टेबल है। बच्ची को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, आगे और देखा जाएगा, बच्ची अनस्टेबल तो नहीं हो गई, और ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट कर दिया गया। हाँ, देखा है, ब्लैक कोबरा है, उसी के अकॉर्डिंग उसका एंटीबीनम स्टार्ट कर दिया और जो जरूरी इंजेक्शन होते वो भी दे दिए गए। इस दौरान सभी लोग आश्चर्यचकित होकर डिब्बे में कैद सांप को देखते रहे, डॉक्टर्स भी डरे सहमे सांप को देखते रहे और युवती का उपचार करते रहे। फिलहाल युवती का उपचार जिला चिकित्सालय पन्ना में जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, पन्ना।